बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको टेस्टी फूड में। टेस्टी फूड में जो बनाने जा रहे हैं शकरकंदी हलवा, जिसके लिए हमने शकरकंदी लेनी है। 6 से 7 शकरकंदी ली हमने, 2 कप दूध लिया हमने, आधा कप हमने चीनी ली है, 1/3 कप हमने ऑयल लिया है, कोकोनट पाउडर लिया हमने 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। तो ये इंग्रीडियंट्स चाहिए हमें शकरकंदी हलवा बनाने के लिए। कढ़ाई में अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। घी में भी बना सकते हैं, हम ऑयल में बना रहे हैं। अब इसमें हम शकरकंदी ऐड कर देंगे और शकरकंदियों को हम थोड़ा तल लेंगे ऑयल में। क्या बनता है शकरकंदी का हलवा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। दो से तीन मिनट इसको हम ऑयल में तलेंगे कि बस का थोड़ा कलर चेंज हो जाए शकरकंदी का। और गैस का पीजिए और इसको सिलाई हमने काट दी और इसको जो है काटने के बाद फॉर्म इसका बना लें, वरना जो शकरकंदी काली पड़ जाती है। इसका शकरकंदी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया। इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। 3 मिनट लगे हैं तो कलर चेंज होने में, इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर, चीनी, कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे। कोकोनट पाउडर से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। दो से तीन मिनट लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम शकरकंदी चेक करेंगे कि गली है नहीं गली है। शकरकंदी हमारी गल गई है, अब इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब दूध के साथ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बिल्कुल घुल गई है। अब इसको हम मिल्क के साथ पकाएंगे कि जो ये मिल्क और जो है वो बिल्कुल इस पर ड्राई हो जाए। थोड़ी तोड़ लेंगे हम शकरकंदी। तैयार है यहाँ पे हमारा हलवा। इसको हमें थोड़ा ऐसा लिक्विड सा रखना है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। ये रखा हुआ खुद ही ड्राई हो जाता है, मतलब इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको डिश आउट कर लेंगे हम। अब इस पर हम थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे हम कोकोनट पाउडर। 3 मिनट्स में हमारा शकरकंदी का हलवा रेडी हो गया है। आप लोग भी बनाएं इसको, बिल्कुल आसानी से जल्दी से बन जाता है ये। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।